अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिज़ाइन जॉब्स इन दुबई यूई के फेसबुक पेज से मैं हाज़िर हूं। तो दोस्तों, आज भी हम चेक करते हैं कि कौन सी न्यू जॉब्स आई हैं और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो चलते हैं पेज की जानिब। सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पोस्ट पे और अब हम चेक करते हैं। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो वीडियो पे हम शो करा रहे होते हैं, जो प्रोसेस बता रहे होते हैं वीडियो का, अगर आपको उस जॉब पे अप्लाई करना है तो उसके लिए ये है कि जो भी वीडियो आप देख रहे होते हैं उसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होता है। तो आप उस लिंक के ज़रिए जो है डायरेक्टली उस पेज पर एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ सारी उनकी रिक्वायरमेंट और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं जॉब्स की तरफ, कौन सी जॉब्स आई हुई हैं न्यू। जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर इन दुबई, ये भी सब न्यू जॉब हैं और डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो आज हम ये चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं, अब चेक करते हैं कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर इन दुबई, देयर सी फ्लावर्स इज लुकिंग फॉर जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर कम आईटी स्टाफ टू ज्वाइन आवर ग्रोइंग टीम। जॉब डिस्क्रिप्शन है, डेवलप मटेरियल फॉर कैटलॉग, वेब पेजेस, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड ईमेलर्स, ग्राफिक आर्ट वर्क, वीडियोज, इमेजेस, टू एडिट फोटोज आफ्टर प्रोडक्ट फोटोशूट, to perform basic IT need troubleshooting for the whole team, handle website design and website requests from the team, knowledge in animation, photography and 3D sketchup is a plus, qualification at least 1 year experience in the related field, excellent communication skill, proficiency with Adobe Creative Cloud application, Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effects, Adobe Premiere Pro. So friends, ये एक है जिनको कंपनी जो कि ग्राफिक जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर कम आईटी स्टाफ का जो कैंडिडेट चाहिए, जो कि मतलब आईटी से रिलेटेड जो मतलब आपके बेसिक जो ट्रबल शूट होते हैं वो आने चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन बताई भी है कि इनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ये आपको देंगे, उसमें आपके जो है डेवलप करना होगा आपको जो भी कैटलॉग हैं, इनके वेब पेजेस हैं, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया ईमेलर्स के हिसाब से जो है आपको डिज़ाइंस करने पड़ेंगे, इनके ब्रोशर्स भी हैं और वेब पेजेस वगैरह भी है और इनकी वीडियोस, इमेजेस वगैरह ये सब। और इसके अलावा जो भी इनके प्रोडक्ट की फोटोग्राफी है वो, उसके बाद जो भी एडिटिंग का प्रोसेस होगा वो भी आपको देखना है। इसके अलावा जो भी आईटी ट्रबल शूट्स होंगे, जो भी इनकी टीम के हवाले से हो या जो भी ऑफिस में जो भी ट्रबल शूट का होगा वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वेबसाइट जो है हैंडलिंग करनी पड़ेगी और जो भी इनकी फर्दर टीम की तरफ से रिक्वेस्ट होंगी वो आपको जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपके पास एनिमेशन और फोटोग्राफी और 3D स्केचअप का अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है वो कम से कम आपके 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आप जो गुड कमांड होनी चाहिए एडोब क्रिएटिव क्लाउड जो है, जिसमें आपको फोटोशॉप, लाइटरूम, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो पे भी काम आता हो। तो अगर आपको इस पे जॉब पे अप्लाई करना है तो जो है आप CV के साथ जो है अपनी पोर्टफोलियो का जो है एक PDF फाइल बनाएंगे, वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। या अगर आपकी वेबसाइट बनी है या आपने कहीं पर ब्लॉगर पर या कहीं पर लिंक शेयर किया हुआ है तो आप वो लिंक शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जैसे इस पे अप्लाई करना है तो मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से ये इस लिंक के ज़रिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हम आ गए इस पेज पे। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी
बताया था कि अगर आपको इस पे अप्लाई करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे, देन ये आपसे पूछेगा कि कौन से उससे आप ओपन करना चाहें, लिंक करना चाहें। तो क्योंकि हम जीमेल पे ऑलरेडी लॉग इन, तो हम जीमेल के ज़रिए जाएंगे, देन ये देखेंगे लिंक कर रहे हैं उस अकाउंट से, और ये लिंक हो गया है, और आप चेक करते हैं। तो देखें ये जो यहाँ अप्लाई का बटन आ रहा था, वहाँ इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, इसको फिल करना है, क्योंकि छोटा सा बायोडाटा इन्होंने मांगा होता है। इस पर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी शो करेंगे, और जेंडर है, नेशनलिटी है, आपका एजुकेशन, आपकी लास्ट जो डिग्री है वो, और आपका करंट स्टेटस क्या है, और वीज़ा स्टेटस क्या है। इसी तरह आप अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसमें आप अपने स्किल्स भी डिस्क्राइब कर दिएगा, देन फाइनली आपको जो है अपलोड करनी है अपनी करंट अपडेट CV, और आप इस पे चेक लगाएंगे आई एम नॉट अ रोबोट पे, देन आप अप्लाई कर देंगे। तो आपकी जो CV है वो डिपार्टमेंट में चली जाएगी, जो भी इनका डिपार्टमेंट है, और शॉर्टलिस्टेड अगर आप होते हैं तो आपको जो है कंपनी खुद कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस था बहुत ईजी, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।